दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ जो नीचे कमीज के घेरे पे बॉर्डर लगता है, तो कभी कभी बॉर्डर को हम लगाते हैं पलटकर, कभी कभी लगाते हैं हम उसको बड़मा, लेकिन काफी लोग बड़मा लगाना नहीं आता और फिनिशिंग में वो अटैच नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में आपको मैं बड़मा बॉर्डर लगाने का तरीका बताऊंगा, वो भी पूरा का पूरा फिनिशिंग के साथ। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो का एंड तक देखना, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको सिखाते हैं। अब देखिए दोस्तों, मेरे पास एक कमीज है और ये जो बॉर्डर है, अगर हमें इसकी लंबाई इस तरीके से हम ऊपर चिपका देते हैं तो इसकी लंबाई हमारी कम हो जाएगी, लेकिन हमें लंबाई बढ़ा के रखना है और बॉर्डर को हम ऐसे रखते हैं। लेकिन काफी लोग क्या करते हैं, बॉर्डर पे ऐसे सिलाई लगा देते हैं और नीचे की तरफ में इस तरीके से धागे वगैरह निकलते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि फिनिशिंग में कैसे लगाएंगे, और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो दोस्तों होगी इसके ऊपर कि आप इस वाले गले को किस तरीके से जो है सेट करेंगे अस्तर के ऊपर। तो ये पूरी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली है। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जब ये वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप इसे सबसे पहले देख पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे पास ये देखना है ये कितना है, हम इसको नाप लेते हैं। इंची डेप्थ से नापेंगे दोस्तों, 26 है, तकरीबन 27 इंच के आसपास हमारा बॉर्डर होना चाहिए। अगर इतना भी है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नीचे तरफ जाते हुए बढ़ जाता है। अब हम इसको एक बार नाप लेते हैं दोस्तों, ये 26 है, तो देखिए 26 है, हल्का सा ज्यादा है, 26.5, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, ये जो भी धागे वगैरह है ना दोस्तों, इसको हम कर लेंगे साफ। और नीचे देखिए कुछ इस तरीके का ये बड़मा में था, तो हम इसको हटा देंगे, हमसे बॉर्डर बॉर्डर लेंगे जो लेस आपको दिख रही है यहाँ पर। और दूसरी चीज, अगर आपके पास सेम कपड़ा नहीं भी है तो आप कोई मैचिंग का अस्तर वगैरह भी लगा सकते हो, जैसा तरीका बताऊंगा बिल्कुल वैसे ही। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, ये सिलाई खोलेंगे और इसका ये जो धागे दिख रहे हैं ना, ये इसको अच्छी तरीके से हम साफ कर लेंगे, फिर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने बॉर्डर खोल दिया और नीचे हमारे पास ये कपड़ा मिला, जो कि इससे हमें थोड़ा ज्यादा चाहिए और उसकी चौड़ाई ज्यादा है। तो हम सबसे पहले तो कपड़े को साफ कर लेते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कपड़ा नहीं भी है तो आप कोई मैचिंग का लगा सकते हो, अस्तर लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम ऐसे रख लेंगे। अब ये जो हमारे पास है, हमें इसमें एक चीज नोट करनी कि हमारा फूल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हिस्सा नीचे रहेगा, तो हमें यहीं से सिलाई लगानी। कैसे लगानी वो बताऊंगा, उससे पहले हम इसको ऐसे करेंगे और उल्टी तरफ से पहले इसे प्रेस लगा लेता हूँ, ठीक है। तो मेरी स्टीम प्रेस है, ये देखो, ये मेरी स्टीम प्रेस है, ध्यान से देखना। तो इसे प्रेस लगाने के बाद ये अच्छी तरह बैठ जाता है। किसी की लोहे की है, घर की प्रेस है, उसमें ये चीजें फिनिशिंग में नहीं बैठ पाती। तो एक वीडियो मेरी बहुत जल्द इसके ऊपर भी आने वाली है, इसका मैं समझाऊंगा कि किस काम में आती है, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके वहां से परचेस कर सकते हो। तो बहुत ईजी दोस्तों, आप इसे परचेस कर सकते हो। तो देखिए, इसे हम ऐसे प्रेस लगाते हैं, अब ये हमारा ये साफ हो गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये वाला कपड़ा जो है हम इसको ऐसे रखते हैं, ये हमारी मान लीजिए सीधी साइड है, और यहाँ पर देखिए मैं जब बुक करता हूँ तो ये लिख भी लेता हूँ कि लाइनिंग वाला है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो 40 लंबाई है, तो बड़मा बॉर्डर लगाना है, यानी बड़मा उसको कहते हैं जो मैं ये लगाने जा रहा हूँ। एक होता है ऊपर अटैच कर देना। तो अब मेरे को क्या करना है दोस्तों, मैं इसको ये वाली जो साइड है ऊपर रखनी है, तो इसको हम ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, और इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। देखिए ऐसे रखने के बाद, अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आधा इंच का ही मार्जिन लेना किनारी वाली साइड से, ठीक है, और यहाँ पर आपको इस तरीके से सिलाई लगा लेना है। आपकी किनारी नहीं रखनी है, खिंचा हो तो किनारी को कटिंग कर सकते हो, बस एक सिलाई आप पहले यहाँ पे लगा के लेके आता हूँ, फिर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से सिलाई लगा दी। अब इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है। ऐसे करने के बाद अब मैं इस जगह पर एक प्रेस लगा रहा हूँ, क्योंकि पाइपिंग है दोस्तों, पाइपिंग तो आपकी थोड़ी बढ़ गई दिखेगी, इस तरीके से हमें लगाना है। और चाहे वो कोई भी बॉर्डर हो, आपको ऐसे लगाना है। इससे क्या होगा दोस्तों, दो काम होंगे, एक तो फिनिशिंग में लगेगा, प्लस में किसी भी कस्टमर का आप लगाओगे तो आप उसे बोल सकते हो, देखो हमने कितनी फिनिशिंग में काम किया है। अब इसको हम ऐसे ले लेते हैं, ध्यान से देखना, ये हमने लगा के ऐसे ले लिया। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं, इसको कट कर लेंगे और इस वाले हिस्से को कट कर लेंगे। अब यहाँ से दोस्तों पाइपिंग से आपको तकरीबन इस तरीके से आधा इंच का मार्जिन लोगे तो एक सूत कम, सिर्फ एक सूत कम क्यों कर रहे हैं वो भी आपको मैं समझाऊंगा। इस तरीके से आपको ये कट कर लेना है। अब कट करने के बाद इसको हम ऐसे लेंगे और एक सेंटर में दोस्तों यहाँ पे कट लगा लेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब कमीज ली हमने, इसमें भी हमने सेंटर में कट लगा दिया, ठीक है। अब इसमें देखिए निशान लगाया हुआ है मैंने पहले से पहले कि मेरे को इतना दबाव लेना है। अब हम इसको ऐसे रखेंगे और ये है हमारी सीधी साइड, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, यह मेरी सीधी साइड।
इसको मैं ऐसे रखेंगे और इसको हम सेंटर में इस तरीके से मिला के रखेंगे। देखिए ध्यान से देखिए इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों जब आप इसे इस तरीके से रखेंगे तो हमें क्या करना होगा, ये वाला जो हिस्सा है ठीक है, इसको हमें ऐसे करना है सेंटर में, इसको ऐसा पकड़ना नीचे की तरफ से, वो एक बराबर आपको इसको इस तरीके से करना होगा ठीक है। अब ये कर दिया, अब इसको हम ऐसे करेंगे और यहाँ पर हम जो हमने मार्जिन लिया था आधा इंच का, उसी मार्जिन से सिलाई लगा लेंगे और ये पूरा हिस्सा जोड़ लेंगे। तो चलिए मैं सिलाई लगा के लेके आता हूँ इसे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी। अब ये हिस्सा आपका ऐसे पलट जाएगा और यहाँ सिलाई लगने का अंदर की तरफ से हो जाएगा गुम। लेकिन हमें करना क्या होगा उसके लिए, क्योंकि मैं आपको फिनिशिंग में समझा रहा हूँ तो उसे आप समझें। अब सबसे पहले हम इसको ऐसे करेंगे, ये मार्जिन को नीचे की तरफ में हमें प्रेस लगा देना है। देखिए ऐसे करके, और दोस्तों मैं जो लगा रहा हूँ ना ये प्रेस है मेरी स्टीम, और मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टीम प्रेस का एक फायदा है। देखेंगे आप ये सिप्पी सितारे जो हैं, अगर मैं इसके ऊपर भी लगा देता हूँ प्रेस तो कोई फर्क नहीं होता, ना ये चिपकता है। इसलिए स्टीम प्रेस बहुत ज्यादा काम आएगी, आप इसे जरूर लेना, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से बाय कर सकते हो। तो ये देखिए आपको इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से सेट कर देना है जब प्रेस लग जाएगी। अब देखिए ये प्रेस लगने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल दोस्तों इसे ऐसे रखना है ठीक है, और अब यहाँ पर आपको एक सिलाई लगा देनी है जिससे कि आपका ये वहीं की वहीं पूरा लग जाएगा, वो भी बड़मा। तो चलिए मैं यहाँ पर सिलाई लगा लेता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने सिलाई लगा दी। अब मैं आपको बैक साइड से दिखाता हूँ। तो काम जब हम लोग काम करते हैं टेलर लोग, तो ज़्यादातर टेलर के पास लेडीज़ें क्यों जाती है, वो वजह यही है। आप देखेंगे हमने फिनिशिंग से लगा दिया और इतनी फिनिशिंग से लगाई कि यहाँ पे ना कोई धागा निकल रहा है ना कुछ। आप बड़मा वैसे भी लगाते हैं तो काम चलता है, लेकिन जब आप टेलर के पास जाते हैं तो वो बढ़िया तरीके से, जो अच्छा टेलर होगा वो ऐसे ही आपको काम करके देगा। ये होता है फिनिशिंग वाला काम, आप खुद देख सकते हैं। अब इसको हमें क्या करना है, फाइनल चीज़ इसको हमें पहले इस तरीके से मिलाना है ठीक है। ये देखिए हमें इसको इस तरीके से मिलाना होगा। ये देखिए यहाँ पर मिला दिया हमने इसको, इसका सेंटर अच्छी तरह ले लिया। सेंटर लेने के बाद अब यहाँ पे जो भी हल्का फुल्का आपका बढ़ रहा है इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद दोस्तों हमारी जो है यहाँ पर बॉर्डर लग चुका है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने बॉर्डर लगाया, पूरा आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों जो आएगी वो आएगी आपके इसके ऊपर कि हम यहाँ पे गले को कैसे तैयार कर सकते हैं, यानी अस्तर वाले में हम गले को कैसे पलटेंगे, ये मैं आपको इसमें समझाने वाला हूँ। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि जब ये वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले ये मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने सब कुछ बता दिया, अब बात रही स्टीम प्रेस की। तो स्टीम प्रेस का दोस्तों मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से बाय कर सकते हो, इसके ऊपर एक रिव्यू भी मैं दूंगा। तो ये वीडियो में दोस्तों आपको मैंने बर्मा बॉर्डर लगाने का तरीका बताया। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, जब आप इसे फिनिशिंग से बना के देते हो तो आपका कस्टमर जो आपके पास एक भी बार आएगा और ये फिनिशिंग देख के वो दोबारा से आपके पास आएगा ही आएगा। तो दोस्तों इससे क्या होता है, इससे ऑटोमेटिक जो है आपके कस्टमर यहाँ पे बन जाते हैं और आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप इस तरीके से काम करें, छोटी छोटी चीज को फिनिशिंग बनाने की कोशिश करेंगे तो कस्टमर आपके कभी भी नहीं टूटेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताना। अगर आप में से कोई भी ऑनलाइन काम सीखना चाहता है या अपनी बुटीक करने का सपना है और चाहता है कि डर लगता है और सीखना चाहता है हमारे से ऑनलाइन क्लासेस, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।